आपका बकवास सवाल में आपका स्वागत है। आज का बकवास सवाल क्या है, हमारे साथ जुड़ चुके थेटरलॉजी के बेताज बादशाह जिसने थेटरलॉजी एग्जाम में टॉप किया था, आज के इस चैनल में आपका बिल्कुल भी स्वागत नहीं। प्याज का दाम बढ़ गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो वह 1 फीट का था, आज वो 6 फीट का हो गया। इसे मैंने पैदा किया, खिलाया पिलाया, नहलाया धुलाया, मैं उसे बढ़ने से रोक नहीं पाया, तो सरकार प्याज के दाम कैसे बढ़ने से रोक सकती? आप लोग एकदम बकवास सवाल पूछते हैं। जब आप प्याज रोपते हैं तो छोटा सा रहता है, जब 2 महीना बाद कोड़ के निकालते तो बड़ा हो जाता है, उस पर कोई सवाल क्यों नहीं करता कि प्याज इतना बड़ा कैसे हो गया? ये जो प्याज का दाम बढ़ा है, ये प्याज का आपसी सहमति से हुआ है, पर्सनल डिसीजन लिया गया है। इसमें सरकार का ना तो कोई लेना देना है, ना कोई और किसी का लेना देना। उसने अपने पूरे परिवार, माँ बाप, भाई बहन, जितने रिश्तेदार, पूरे खानदान को बुलाकर एक मीटिंग की। उस मीटिंग में अपनी पर्सनल डिसीजन के साथ इन्होंने आपसी सहमति से मिलकर प्याज का दाम बढ़ाया। सर, इसे आप सोचे समझे साजिश कहेंगे या एक प्लान के तहत, क्या कहेंगे? देखिए, कोई नहीं चाहता कि कोई गरीब रहे। प्याज के जितने रिश्तेदार थे सब ने मिलकर सोचा कि अब हम गरीब नहीं रहे, हमें भी अमीर बनना होगा। अमीर बनने का सबका हक है, हम थोड़ी ना रोक सकते हैं। मैं क्या गलत हो रहा हूँ? नहीं सर, आप सही कह रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके गरीबों के सरदार, आप क्या कहना चाहते हैं प्याज और उनके रिश्तेदारों के मनमानी पर? कल मैं मुर्गा लेने गया, 250 ग्राम मुर्गा लिया। मुर्गा मुझसे सवाल कर रहा, मुझे तो खरीद लिया, अब प्याज कैसे खरीदोगे? तो आपने क्या जवाब दिया? एक गरीब इंसान क्या बोल सकता था, सर नीचे कर लिया। सब्जी दुकान गया, प्याज और सेब आस पास रखा था, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या खरीदूं, प्याज या सेब। प्याज मैं उठाने जा रहा था, प्याज कहता है मुझसे औकात है, हम गरीब क्या हाल क्या कहते। बगल में बैठा सेब हंसने लगा और कहने लगा, अब तुम्हारे प्याज खरीदने की भी औकात नहीं। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो खाती नहीं प्याज, उससे क्या कहें। अब आप सोचिए कौन सही कौन गलत। आज का बकवास सवाल यहीं तक, अगला कोई बकवास आइडिया आएगा तो अगला वीडियो आएगा।